हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर जॉब्स। आज हम बात करेंगे एक नई ट्रांसक्रिप्शन वेबसाइट के बारे में। लास्ट टाइम ऑल्सो आई हैव शेयर्ड अ ट्रांसक्रिप्शन वेबसाइट जहाँ पर कि यू कैन अर्न $5 to $25 पर आवर, एंड काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें भी, विच इज़ scribi.com। उसका मैं लिंक आपको आई बटन में शेयर कर दूंगा। आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस ये भी एक ट्रांसक्रिप्शन वेबसाइट है जहाँ पर कि कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है आपको। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड अगर किसी को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन तलाशना है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन, तो दिस इज़ द बेस्ट वेबसाइट वेर इन यू कैन गो एंड रजिस्टर योर सेल्फ फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये क्या है, कैसे काम करती है और क्या इनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो समझते हैं। तो मैं सीधे आपको लिए चलता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ये हम आ गए हैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर हम टाइप करते हैं www.castingwords.com। हमने जैसे ही ये castingwords.com टाइप किया, ये इसका यूज़र इंटरफेस है जहाँ पे ये इन्होंने लिखा है ट्रांसक्रिप्शन मेड फास्ट एंड इजी, क्वालिटी रिजल्ट्स, क्वालिटी सपोर्ट। इन्होंने विद 175,000 ट्रांसक्रिप्ट डिलीवर्ड टू 10,000 हैप्पी कस्टमर्स, एंड इनको रेटिंग्स भी 4.5 रेटिंग मिली हुई है, विच इज़ ए गुड थिंग। इसमें अब हमें किस चीज़ से मतलब है, हमें मतलब है कि हम इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर पाएँ और कैसे हम ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद पैसा कमा सकें। तो इसमें वी जस्ट हैव टू गो डाउन, लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर फ्रीलांसर का ऑप्शन है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे फ्रीलांसर्स पर, तो हमारा ये वेबसाइट खुलेगा workshop.castingwords.com। तो इसमें हमें दिख रहा है ट्रांसक्राइबिंग मेड फ्लेक्सिबल एंड कन्वीनियंट, फ्रीलांसर्स ट्रांसक्राइब एडिट एंड कंप्लीट अदर शॉर्ट जॉब्स ऑनलाइन एट योर ओन पेस, वर्क एज मच और एज लिटिल यू एज यू वॉन्ट वेन यू वॉन्ट, नो फी वी पे यू, वी यू डोंट पे अस। तो मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जीरो इन्वेस्टमेंट है इसमें। इसमें यहाँ पर लिखा रजिस्टर और लॉग इन नाउ, तो हमारा लॉग इन तो है नहीं, तो हम रजिस्टर करते हैं इस पर पहले। तो हमने जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक किया, लॉग इन अगर किसी ने पहले किया हो तो यहाँ पर इसको अपना क्लिक करना है और लॉग इन कर लेना है। बट वॉन्ट टू फ्रीलांसर फॉर अस अप्लाई हियर, तो यहाँ पर हम अपना नाम डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, और ये पासवर्ड अगेन एंड गेट स्टार्टेड। सो बहुत ही इजी प्रोसेस है इसमें। हमने जैसे ही ये डिटेल्स डाली, ये हमें step 2 of 4 पे लेके आया, कास्टिंग वर्ड्स फ्रीलांस एप्लीकेशन। तो हमें पेपाल अकाउंट यहाँ पर डालना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको लास्ट स्क्रिबी में भी बताया था। ये सारी ही इंटरनेशनल वेबसाइट्स जो हैं आपकी पेपाल का यूज़ करती हैं, तो पेपाल की जो ईमेल एड्रेस है वो डालेंगे। फिर से हम अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, स्टेट, प्रोविंस, यूएस और कनाडा के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है, तो स्टेट एंड प्रोविंस को छोड़ देंगे। हम आगे बढ़ेंगे, इसमें जिप भी अगर देखेंगे तो यूएस एंड कनाडा ओनली, कंट्री ऑफ रेजिडेंस डालेंगे इंडिया, आई अग्री एंड नेक्स्ट स्टेप। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो अबाउट योर सेल्फ इज़ अ थर्ड स्टेप ऑफ फोर, आउट ऑफ फोर स्टेप्स। तो प्लीज़ टेल अस लिटिल अबाउट योर सेल्फ, आई एम सचिन वर्किंग एज अ ट्रांस रेजाइडिंग इन इंडिया विद अराउंड 15 ईयर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सपीरियंस। ये हमने डाल दिया, थोड़ा सा अपने बारे में, नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसमें।
यहाँ पर ये देगा ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट. द फाइनल स्टेप इन आर एप्लीकेशन प्रोसेस इज अ शॉर्ट ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट. द ऑडियो क्लिप रेंज फ्रॉम 90 सेकेंड्स टू अ बिट ओवर 6 मिनट्स. अलाउ योर सेल्फ एटलीस्ट हाफ एन आवर टू टेक द टेस्ट, ऑल दो यू विल बी गिवन लॉन्गर देन दैट. इसको स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्राइबिंग टेस्ट को आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और आप इसका ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट देंगे. ये ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट आपके सामने खुल गया है, और इसमें जैसे ही आप ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट पे क्लिक करेंगे, आपका ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट स्टार्ट हो गया. तो अभी ये काउंटडाउन आपका स्टार्ट हो गया ऑलरेडी. 1.5 आवर्स का टाइम इन्होंने दिया है हमें. ठीक है, अब यहाँ पर हमने जैसे ही चलाएंगे, हम इसमें एक टेस्ट देना पड़ेगा. हाइड एवरीथिंग बट द ऑडियो प्लेयर पे क्लिक करेंगे, सारा कुछ क्लीन हो गया यहाँ पर, और इसको हम स्टार्ट करेंगे. तो इस तरह से हमने ये डाल दिया इसमें कुछ कुछ चीज़ें. हमने इस पे व्यू एंड सबमिट किया, एंड हमने सबमिट जॉब कर दिया. क्योंकि ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या करना है. इसमें आपको इस तरह से अपना ये टेस्ट देना पड़ेगा. नॉट एवरी टाइम यू विल गेट दिस टेस्ट. कभी आपको टेस्ट के ऑप्शन मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा. हम देखते हैं माई जॉब्स. सो यू हैव नो आउटस्टैंडिंग वर्क. लीडर बोर्ड देखेंगे. वी आर 24 आवर वेटिंग पीरियड आफ्टर स्टार्टिंग अ टेस्ट टू ट्राई अ डिफरेंट टेस्ट. तो हम जैसे देख सकते हैं 24 घंटे का ये समय लेते हैं, बट 24 घंटे के बाद आपको यहाँ पर अवेलेबल जॉब्स दिखना शुरू हो जाएंगे. और अवेलेबल जॉब्स में बहुत सारी यहाँ पर आपको जॉब्स दिखेंगी छोटी छोटी चीज़ों में, तो वो आप कोई भी पिक एंड चूज़ कर सकते हैं जॉब्स में. अब हम थोड़ा इसमें समझते हैं कि कैसे कैसे इसमें पे आउट्स होंगे, क्या चीज़ें होंगी. तो अगर हम देखते हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अप्लाइंग और फॉर लॉगिंग इन टू दिस कास्टिंग बोर्ड्स. तो यू मस्ट बी 18 ईयर्स ऑफ एज, यू मस्ट बी इन वन ऑफ आर सपोर्टेड कंट्रीज और स्टेट्स, यू विल बी एबल टू रिसीव द टाइप ऑफ पेमेंट्स वी इशू. तो ये पेमेंट्स सिर्फ और सिर्फ पेपाल से करते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है, पेपाल के थ्रू ये पेमेंट करते हैं. व्हाई इज इन माय कंट्री सपोर्टेड और आर सपोर्टेड कंट्री लिस्ट इज शेप्ड बाय रेगुलेशन गवर्निंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैक्सेशन एज वेल एज अ लिमिटेशन ऑफ आर पेमेंट मेथड. तो इसी वजह से काफ़ी कंट्रीज़ में ये लोग सपोर्ट नहीं कर पाते हैं. डू आई हैव टू डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क? नो. एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर यू सेट योर ओन शेड्यूल आवर्स एंड फ्रीक्वेंसी. यू कैन वर्क ऑल द टाइम और जस्ट हियर एंड देयर एज यू लाइक. तो कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे मैंने स्क्रिप्ट में भी बताया था, कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतना टाइम आपको काम करना ही पड़ेगा या मेरे को इतना घंटे इसमें देने ही पड़ेंगे. तो वो सब बाउंडेशन कुछ नहीं है. डू यू यूज़ रिजेक्टेड वर्क? वी नेवर यूज़ अनपेड वर्क. इफ़ योर ट्रांसक्रिप्शन असाइनमेंट इज़ ग्रेडेड 4 और लोअर, दैट मीन्स इन द अप्रूवर्स जजमेंट इट वुड कॉस्ट अस मोर टू फिक्स इट अप देन टू गेट इट रीडन. द वर्क इज़ डिस्कार्डेड एंड द असाइनमेंट इज सेंट बैक आर आउट इमीडिएटली टू बी रीडन. तो अगर इसमें क्या है, इसमें कुछ रेटिंग्स देते हैं ये लोग, जिसके बेसिस पे आपको पेमेंट होती है. तो हाउ मच डज कास्टिंग वर्ड्स पे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसको समझना. सो इसमें ट्रांसक्रिप्शन के लिए 8.5 सेंट्स से बिट ओवर $1 पर ऑडियो मिनट. तो पर मिनट का ये चार्ज है 8.5 सेंट्स. अगर ये वर्क ग्रेडेड 5
तो अगर ये इनके कुछ ग्रेडिंग सिस्टम है एंड उसके हिसाब से इनको ये पेमेंट करते हैं, तो पे वेरीज वाइडली बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग व्हाट टाइप ऑफ जॉब यू डू, व्हाट लेवल यू हैव रीच्ड एंड व्हाट ग्रेड यू अर्न। तो तीन चीज़ें इन्होंने बताया है कि किस तरह की जॉब कर रहे हैं आप, किस लेवल का पर आप पहुंच चुके हैं अभी, एंड व्हाट ग्रेड यू अर्न, जो ग्रेड आपको मिलेंगे। वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जॉब इंक्लूडिंग ग्रेडिंग, एडिटिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन। विद इन ईच कैटेगरी जॉब्स एट डिफरेंट स्किल लेवल्स हैव डिफरेंट पे रेट्स। तो सर सभी चीज़ों में इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पे रेट्स हैं, और उसी वजह से ये आप इनको 8.5 सेंट से लेके $1 पर मिनट के हिसाब से ये पे आउट हो रहा है। एडिटिंग जॉब्स एंड मोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जॉब्स आर बोनस बेस्ड, मीनिंग दैट द बेटर यू डू द मोर यू गेट पेड। तो ये जो काम है मोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जॉब्स और जो है या फिर एडिटिंग जॉब्स हैं, उसमें बोनस मिलता है। अगर जितना अच्छा आप परफॉर्म करोगे उतना अच्छा आपको पैसा मिलेगा। रिजेक्टेड वर्क 0 से 4 ग्रेड अगर मिलता है तो डिस्कार्डेड हो जाएगा, नो पेमेंट विल बी डन। ग्रेड 5 में पहुँचते हैं तो बेस पे मिलेगा, ग्रेड 6 पहुँचते हैं तो आपको 1.5 टाइम्स ऑफ द बेस पे मिलेगा, ग्रेड 7 अगर आता है तो 2 टाइम्स, एंड इसी तरह से ग्रेड 9 आता है तो 3 टाइम्स ऑफ योर बेस अमाउंट मिलता है। हाउ डू यू गेट योर पेमेंट, दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पे कि मैंने बताया है कि पेपाल के थ्रू ये पेमेंट करते हैं, और ट्रांसफ़र जो होता है हर फ्राइडे 10 AM पैसिफिक टाइम्स के अकॉर्डिंग, एवरी फ्राइडे यू विल गेट योर पेमेंट्स। जितना भी आप काम करेंगे हर फ्राइडे को आपको पैसा मिल जाएगा। अब ये किसी और का पेपाल अकाउंट यूज़ कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि पेपाल अकाउंट आपका खुद का होना चाहिए, और इसी वजह जिससे कि टैक्सेशन का प्रॉब्लम ना हो बाद में आने वाले टाइम में। अच्छा, आप एक से ज़्यादा अकाउंट खोल सकते हैं क्या? नहीं, फॉर टैक्स रीजन्स ईच इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज़ लिमिटेड टू अ सिंगल अकाउंट। तो एक ही अकाउंट आपका होना चाहिए और उसी के थ्रू आपको जितना भी काम करना है उसी के थ्रू करना पड़ेगा, तो जिससे कि टैक्स इवेजन ना हो। तो ये बहुत ही लेजिटिमेट एक वेबसाइट है जहाँ पर कि आपको एक लेजिटिमेट वर्क मिलता है और पेमेंट्स मिलती हैं और टाइम पर पेमेंट्स मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है जैसे इंडिया में, मैं काफ़ी जगह पे देखता हूँ, फेसबुक पे देखता हूँ कि लोग एक दूसरे को फ्रॉड बोल रहे होते हैं कि अच्छा मैंने रजिस्ट्रेशन चार्जेस दे दिए 1000 रुपीज़, और बाद में उन्होंने फ़ोन ब्लॉक कर दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया। दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट देयर विद दीज लेजिटिमेट वेबसाइट्स, एंड आप जो भी काम करेंगे, हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा पैसा कम हो सकता है एज़ कम्पेयर टू जो फ्रॉड बोल रहे हैं कि 1000 रुपये 1 घंटे का कमा लीजिए, पर डे का 50,000 कमा लीजिए, वो मैं मान सकता हूँ कि ये पैसा कम ज़रूर हो सकता है। बट एट द सेम टाइम दीज आर ऑल लेजिटिमेट वेबसाइट्स, यहाँ पर आपको पैसा कम ज़रूर मिलेगा बट श्योरिटी के साथ मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ काम किया और आपका पैसा, जैसे इंडिया में जनरली क्या होता है कि पैसा काम करवाया और उन्होंने बोला कि अच्छा आपका तो ये क्वालिटी पुअर है और इस वजह से आपको पैसा नहीं मिलेगा। जनरली इस तरह की वेबसाइट में ऐसा नहीं होता है, और लोग इसके साथ इसीलिए जुड़े रहते हैं और लोग काफ़ी काफ़ी लंबा टाइम तक काम भी करते हैं और इसमें बोनसेस भी मिलते हैं, तो इस वजह से काफ़ी अच्छी एक वेबसाइट है। सो इस तरह से ये एक और वेबसाइट है, स्विबी जो मैंने बताया था उसी की तरह की एक और लेजिटिमेट वेबसाइट है। अगर आप अच्छा ट्रांसक्रिप्शन जानते हैं और इफ़ यू आर वेल वर्स्ड विद द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, देन दीज वेबसाइट्स विल डेफिनेटली हेल्प यू एज अ पार्ट टाइम वर्क, पार्ट टाइम जॉब और ऑनलाइन वर्क। इफ़ यू वांट टू डू इट देन यू कैन डेफिनेटली डू दिस काइंड ऑफ वर्क एज वेल। और इसमें ये बाउंडेशन नहीं है, तो दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ दिस काइंड ऑफ वर्क एज वेल, कि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 घंटे लगाने हैं हफ्ते में या 10 घंटे लगाने हैं, आपको जब भी टाइम मिलता है आप ऐसे पॉकेट मनी बोल सकते हो, थोड़ा सा जो भी आपको ज़रूरत है पैसे की। और इस टाइम पे काफ़ी लोग खाली भी हैं, ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। तो अगर आपने मान लीजिए दिन का 1 घंटा 2 घंटा भी लगाया तो भी देन यू कैन स्टिल अर्न योर ब्रेड। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने स्क्रीबी पर डाला था तो कुछ लोग बोल रहे थे बहुत ही कम पैसा दे रहे हैं, डेफिनेटली कम है, आई ऑल्सो स्टिल अग्री विद दिस, बट एट द सेम टाइम मतलब फ्रॉड में फंसने से अच्छी चीज़ तो ये है कि आपको कम पैसा मिले बट फॉर श्योर मिले, राइट। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इन केस यू लाइक माई वीडियोज़, यू लाइक माई कंटेंट, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड मैंने देखा काफ़ी सारे लोगों ने मेरी वीडियोज़ देखी हैं बट अभी तक उन्होंने अपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है।
for these kind of interesting videos, you should subscribe my channel, and we'll see you in the next video. Thank you so much for watching this video.